हसरते हैं और क्या है। जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते कितना अकेलापन महसूस कर रही हूँ सावी के बिना। कितनी सी थी जब यहाँ आई थी और आज देखते ही देखते उसकी शादी भी हो गई। तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई शादी में? ये अचानक तुमने दूध में नमक क्यों डाल दिया? मैं जहाँ काम करती हूँ उस कंपनी के हॉलीडे रिजॉर्ट है ऊटी में, जमन ठक्कर ने तुम दोनों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है। हैव अ नाइस टाइम। मेरे अच्छे पति देव, आज से आप कॉलेज जाएंगे। ओह नो। ओह यस। चंदा बिन, अरे शांता बिन हो या कांता बिन, मैं मेरी अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, समझी? लेकिन शांता बिन। अरे कोई शांता बिन नहीं, सॉरी प्लीज। मैं बाद में आती हूँ। ये उन तस्वीरों का एल्बम है जब हम दोनों एक साथ नाटकों में काम किया करते थे। बुझा दो ये रोशनी और बुझा दो ये रोशनी। किन ख्यालों में खो गई यहाँ? वैसे इन तस्वीरों को देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। सर सर सर। यस सर, आपकी शादी की कैसेट बहुत अच्छी बनी है। तुम्हें कैसे पता? सर वो ब्लूबर्ड पब्लिसिटी वाला वो लड़का जिसने आपकी शूटिंग की वो हमारा दोस्त है। ब्लूबर्ड पब्लिसिटी वाला क्या हमारी शादी की पब्लिसिटी कर रहे हैं? नहीं सर, लेकिन आप उसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमने उनकी स्टूडियो में जाकर देखा। आपने नहीं देखी सर? नहीं मैंने नहीं देखी। सर हम ला के दे? नो थैंक्स, मैं खुद मंगा लूंगा। बाय। देखिए देखिए फोन कर रहे हैं। इसमें देखने की क्या बात है मिस दलाल? अरे पूरे 15 दिन छुट्टियां बिता कर आए लेकिन बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। लेक्चर से पहले फोन करते, लेक्चर के बाद फोन करते। आप अब भी उन पर वॉच रखती हैं क्या? अरे इसमें वॉच रखने वाली कौन सी बात हो गई मिश्रा जी, जो आंखों से देख रही वो ही बोल रही हूँ। बार बार अपनी बीवी को फोन किए जा रहे। करने दीजिए मिस दलाल, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? आखिर वो अपने बीवी को फोन कर रहा है। बीवी। मिस्टर लाल, आई मस्ट टेल यू, ये हमारा फोन कमाल का है। क्या बात हो गई? कब से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। इन्हें क्या हुआ? आप क्यों हंस रही हैं? मिस्टर वर्मा, कहीं आपकी बीवी किसी के साथ भाग तो नहीं गई है? मिस दलाल, मैंने आपसे शादी नहीं की। प्रोफेसर वर्मा आपका फोन। हेलो। हाँ मैं सावी बोल रही हूँ। सावी कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। मैं सुषमा के यहाँ आई हुई हूँ। सुषमा? कौन सुषमा? अच्छा अच्छा वो, ठीक है। मैंने सोचा कि तुम मुझसे रूठ कर अपने मायके चली गई हो। तुम शायद भूल रहे हो श्यामू, मैं अपना मायका अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। इसका मतलब कभी नहीं रूठोगे? तुम मुझे मौका नहीं दोगे, है ना श्यामू? सावी मान लो कि कभी ये गुस्साखी मुझसे हो गई तो तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, क्योंकि अब मेरा मायका और मेरा ससुराल एक ही जगह है। सावी सावी तुम्हें पता नहीं कि ये सब सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू सावी। प्रोफेसर लाल, मिस्टर वर्मा को फोन पे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए ना। मिस दलाल आपको गलत फहमी हो रही है, ये आवाज श्याम की नहीं है, मैडम भट्टाचार्य की है। ओके बाय। हाँ सुनो, कॉलेज छूटने के बाद आ रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगी। ओके। ये देखिए मिसेस वर्मा, हमारे नाटक के जमाने की प्रेस रिव्यूज। आपको जल्दी तो नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं नहीं, आपके आने से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लग तो नहीं रहा।
कुछ दिनों के लिए अपने मैके क्यों नहीं चली जाती? मेरा कोई मैका नहीं है। तो क्या मम्मी डैडी से झगड़ा हो गया? हाँ, विशाल को लेकर, उनके खिलाफ था। हाँ, वैसे मैं एक अमीर माँ बाप की बेटी हूँ। मेरे फादर के दो प्रिंटिंग प्रेस है, एक बंबई में और एक पूना में। शुलापुर में एक सिनेमा थिएटर भी है। चार चार गाड़ियां हैं हमारे पास, मेरा मतलब है कि उनके पास। और भाई बहन? दो बड़े भाई, तीन बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मम्मी डैडी ने इजाजत क्यों नहीं दी? दरअसल विशाल के बारे में उनकी राय कुछ अच्छी नहीं थी। नाटक सिनेमा वाला जो ठहरा, और ऊपर से वो हमारे जात का भी नहीं था। हम लोग ब्राह्मण हैं शास्त्री, और वो सुनार। और वैसे देखने जाए तो थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। मैंने विशाल का ग्लैमर, उसकी मर्दानगी पर फिदा होकर अपना सब कुछ दे दिया। आप चलिए मेरे साथ। मिस्टर शास्त्री, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शी फील बेटर नाउ। एक दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा, ओके? उस दिन डैडी ने मुझे बहुत पीटा, बेत की छड़ी से। तुम्हारी माँ ने उन्हें रोका नहीं? रोका? उल्टा माँ ने मुझे गरम लोहे से दाग दिया। क्या कह रही हो? हाँ, देखो। आखिर मुझे मजबूर होकर उन्हें बताना पड़ा कि मेरे पेट में विशाल का अंश पल रहा है। विशाल? वो आवारा? वो लफंगा नाटक वाला? दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिला? अरे वो ना हमारे जात का ना बात का। अरे जरा उसकी उम्र का तो लिहाज किया होता, कम से कम तुमसे 15 साल बड़ा होगा वो। नहीं, 17 साल। शर्म भी नहीं आती बताते हुए चुड़ैल कहीं की। और तुम कहती थी कि मेरी सुषमा बड़ी सीधी सादी है, उसकी तरफ कोई उंगली उठा के नहीं दे सकता। मुझे क्या पता था कि ये बाहर जाके कोई और रूप धारण कर लेती है, डायन कहीं की। माँ, डैडी, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन जो होना था सो हो चुका। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जितना चाहे मुझे मार लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी शादी विशाल से करवा दीजिए। शादी? जान ले लूंगा अगर उससे शादी करने की बात अपनी जबान पे भी लाई तो। दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मेरी और दो बेटियां जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी अगर तेरी उस आवारा से शादी हो गई तो। माँ प्लीज, डैडी डैडी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हम कतो इसे इसी कमरे में, जब तक विशाल का भूत इसके सर से ना उतरे वो इसे बात नहीं करेगा। चलो। आठ दिन तक मुझे कमरे में बंद करके रखा। इस बीच विशाल कहाँ था?
विशाल ड्रामा के टूर पे गया था। टूर खत्म होते ही वो सीधा मुझे मिलने आया। लेकिन सुषमा नहीं है घर पे। कहाँ गई है? उसके डैडी उसे लेकर गांव गए हैं, वहाँ उसकी शादी तय हो चुकी है। लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझसे पूछे बगैर वो किसी से शादी कर ही नहीं सकती। देखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, आप उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करवा सकती। सुषमा चल चल भाग यहाँ से। देखो ये जबरदस्ती है। सुषमा दोबारा यहाँ नजर आए ना तो जान से मार दिए जाओगी। चल जा यहाँ से। मैं पुलिस में खबर कर दूंगा, तुम नौकर बंद करवा दूंगा। अरे जा, बहुत देखे कंप्लेंट कर। अरे चल जा, बहुत है कंप्लेंट कर। विशाल पुलिस में गया, उसने मेरे माँ बाप के खिलाफ कंप्लेन भी लिखवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस मेरे डैडी के पक्ष में थी और आखिर मुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, मैं हार गई और आप लोग जीत गए। अब मैं वही करूंगी जो आप लोग चाहते हैं। दूसरे दिन माँ मुझे एक अनजान डॉक्टर के पास ले गई अबॉर्शन के लिए, लेकिन मैं वहां से भाग निकली। अच्छा? हाँ, माँ की नजर बचाकर मैं वहां से जो भाग निकली तो सीधा पहुंच गई उस थिएटर में जहां पर विशाल का शो चल रहा था। ऑडियंस के सामने मैं स्टेज पर चढ़ गई और जाकर विशाल से कहा, विशाल चलो भाग जाते हैं। और वो भी अधूरा नाटक छोड़कर मेरे साथ फौरन चला आया। फिर तो थिएटर में ये हंगामा, तालियां, सीटियां, हो हल्ला। ओह गॉड, माय गॉड, आई जस्ट कांट इमेजिन। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। दूसरे दिन शहर के सारे अखबारों में हमारे भागम भाग की खबरें छपी हुई थी। हाउ थ्रिलिंग, हाउ रोमांटिक। ये फाइल मेरे लिए सुख का भंडार है। कभी कभी मैं बहुत उदास, बहुत निराश हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि शायद उस वक्त मैंने बहुत बड़ी भूल की। जीने की तमन्ना जब नष्ट हो जाती है तब मैं ये फाइल लेकर बैठ जाती हूँ। पूछिए। आपने विशाल से या उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की? क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है तो शादी करके भी छोड़ सकता है और बिना शादी के भी छोड़ सकता है। ये आपने, आपके मुंह से विशाल बोल रहे हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। आपको कैसे पता? जी दरअसल अपनी जिम्मेदारी से मुकरने वाले मर्दों की सुबह एक ही होती है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक आदमी ने उसके साथ शादी न करने की यही वजह बताई थी। आखिर उसे बेआबरू होकर शहर छोड़कर जाना पड़ा। सुषमा, अच्छा सुषमा जी, मैं अब चलती हूँ। मिसेस वर्मा हमारे पड़ोस में ही रहती है। तुमने जरूर मेरे बारे में उसे कुछ उल्टा सीधा बताया होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो फिर मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही? मैडम बहुत देर कर दी आपने, कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। भाई हमने सोचा था कि कॉलेज से आने के बाद अपने बीवी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे, लेकिन आप। क्या बात है सावी, बहुत अपसेट लग रही हो? कुछ नहीं,
अपसेट कहा हूं। सावी क्या है बोलो। शामू, वो सुषमा है ना, उसकी शादी नहीं हुई। तो उसमें तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारी शादी तो हो गई है ना। नहीं, बात तो सुनो शामू, वो विशाल नाम के एक एक्टर के साथ रह रही है, ऐसे ही बिना शादी के। इसका मतलब दोनों पति पत्नी होने की एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे तो सुषमा पर बहुत तरस आ रहा है। मैडम आप हम पर तरस खाएंगी? दिन भर आपका इंतजार करके हम जलबिन मछली की तरह तड़प रहे थे। श्याम, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। बताओ क्या बात। श्याम, क्या मर्द इतना बेरहम होता है? सुषमा ने विशाल के लिए क्या कुछ नहीं सहा? उसके माँ बाप ने उसे गर्म लोहे से जला दिया था, लेकिन फिर भी वो विशाल के साथ भाग गई। और एक वो है जो उससे शादी भी नहीं कर रहा, जबकि वो उसके बच्चे की माँ है। मैडम आप खामखा गैरों के लिए परेशान हो रही हैं। हर एक आदमी अपने ढंग से जिंदगी जीता ही है। क्या ऐसे आदमी पर गुस्सा नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कसूर उस आदमी का नहीं है, कसूर उस औरत का है जो बिना सोचे समझे ऐसे आदमी के साथ भाग गई जिसे अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं। Fault lies with the woman. कसूर उस औरत का है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो, कौन जिम्मेदार है? मैं हूँ। सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं इस घर में सिर्फ नौकरानी बनने के लिए आई थी? आपका खाना पकाने, बच्ची की देखभाल करने? मुझे पति की कोई जरूरत नहीं। ये ताला कसने का अधिकार किसने दिया आपको? बताइए किसने दिया? Fault lies with the woman. कुसूर उस औरत का। जिस दिन तुम औरत बनकर मेरी तरफ देखोगी, तब अपने आप समझ जाओगी कि मैंने क्या गलत क्या सही किया, और उस वक्त तुम सारी बातों के लिए मुझे माफ कर दोगी। Fault lies with the woman. कुसूर उस औरत का। भाग जा उनके साथ। आखिर तुम बेटी किसकी है? सुलक्षणा रोहिणा, अरे उसी के तो नक्शे कदम पे चलेगी तू। Fault lies with the woman. कुसूर उस औरत का। Eternal rest grant unto you, O Lord, and let His light shine upon him. May his soul rest in peace. Amen. नहीं जाना है मुझे घर, मैं यहीं बैठूंगा। ये ठीक नहीं है विशाल जी। चलिए उठिए उठिए उठिए, आपका कितना नाम है? लोग आपको इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे यार, जाके इनकी बीवी को खबर कर दो कि ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। देखो मैं यहाँ बैठूं या इन मुर्दों के साथ सो जाऊं, तुमको क्या लेना देना है? शामू, शामू, शामू उठो शामू। क्या हुआ? शामू, किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ए, मुझे हाथ नहीं लगाना क्या? आहिस्ता विशाल जी, आहिस्ता। क्या कर रहे हैं आप? लोग सो रहे हैं भाई। तो मैं क्या उनके घर में घुस के बोल रहा हूँ?
लगता है कोई शराबी बहकी बहकी बातें कर रहा है, सो जाओ। श्यामू, लेकिन आवाजें तो पिछवाड़े के कब्रिस्तान से आ रही है। तुम्हारा मतलब गड़े हुए मुर्दे बोल रहे हैं? फिर तो देखना ही पड़ेगा। नहीं नहीं श्यामू, तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे वही मैं जाकर देखूं तो सही कि रात को 12:30 बजे कब्रिस्तान के मुर्दों की नींद कौन हराम कर रहा है। अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा कर ले जाएगा? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। नहीं श्यामू, तुम मत जाओ, बेकार का झगड़ा हो जाएगा। मेरे साथ किसी का भी झगड़ा नहीं होगा। कॉलेज के बड़े बड़े नामचीन आवारा लड़के भी मेरे सामने गर्दन झुका कर जाते हैं, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं सबको पास कर देता हूँ। आराम से, आराम से अंदर चलिए। अरे जनाब, दरवाजा तो खुलने दीजिए। अरे भाई, दरवाजा क्यों नहीं खुलेगा? मेरी बीवी मेरी मुट्ठी में है। हाँ। अभी खुलवाता हूँ। सुषमा, आराम से। ए सुषमा, दरवाजा खोल, अभी खोलती है। हाँ। सुषमा, दरवाजा खोल। विशाल, विशाल। चलिए जनाब, नाटक का पर्दा खुल गया। प्रोफेसर वर्मा, ये कहाँ मिले आपको? कब्रिस्तान में। क्या? हाँ, सावी ने मुझे जगाकर बताया, वरना मैं तो कब्रिस्तान से निकलने वाली आवाजों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। पर ये वहाँ क्या कर रहे थे? पता नहीं, वैसे घर से कब निकले थे? आज तो उनका शो था भाईदास में, हैमलेट का। हैमलेट का? हाँ। हाँ तो जरूर वो कब्रिस्तान को नाटक का सेट समझ बैठे होंगे। खैर, उनको आराम से सुला दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। काबिल नहीं रखा है। विशाल बोलो, कुछ तो बोलो विशाल, क्यों गए थे तुम शराब के अड्डे पर शो के बाद? विशाल, विशाल, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है जो मैंने आंखें बंद करके तुम्हारा हाथ थाम लिया था। हसरते हसरते हैं और क्या?